नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार सिंह है। मैं बर्ना इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। अभी हमने अपना दो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट जेन डीसी यूपीएस है या ऑनलाइन टाइप यूपीएस होते हैं। तो ये हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं। इसमें क्या होती है कि अगर ये 4 और 8 कैमरे की है तो इसमें एक वायर निकली रहती है। अगर 16 कैमरे की होगी तो 2 वायरें निकली रहेंगी जो इसमें आपको कैमरे को कनेक्ट करना है। एक होता है डीसी जैक जिसमें आपको डीवीआर को कनेक्ट करना है। एक दूसरा डीसी जैक होता है जिससे आप वाईफाई राउटर को कनेक्ट करना होता है। अगर इस पावर सप्लाई को आप यूज कर रहे हैं तो आपको कोई दूसरी पावर सप्लाई यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एसी जब अवेलेबल होगा पावर तो उस पर काम करेगी, या जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो बैटरी बैकअप पे चली जाएगी। तो मैं आपको ये ऑन करके दिखा रहा हूं। तो ये है आपका एलईडी डिस्प्ले जो मेन होगा तो ग्रीन एलईडी जलेगी, जब बैटरी बैकअप पे जाती है तो रेड एलईडी आएगी। जब बैटरी फुल हो जाएगी आपका तो ये तीनों एलईडियां ग्लो करेंगी, और जब बैटरी लो हो जाएगी तो ये रेड एलईडी ग्लो करेगी, बाकी एलईडियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको कनेक्शन करने के लिए होता क्या है कि सबसे पहले आप जैसे वाईफाई राउटर का कनेक्शन करेंगे, डीवीआर का करेंगे, कैमरे का कनेक्शन करेंगे, और एक यहाँ पे साइड में स्विच होती है जिसको ऑफ करके रखते हैं। तो जब भी आप बैटरी को लगाते हैं या निकालते हैं तो इस स्विच को ऑफ करके ही करेंगे। तो जब आप, अब हमारे पास 2 बैटरियां हैं। एक ये है लिथियम आयन बैटरी होती है, ये 14.8 वोल्ट 8 AH की है। दूसरी बैटरी हमारी ये 14.8 वोल्ट 16 AH की होती है। इसमें क्या होता है कि लिथियम आयन बैटरी अगर आप यूज करते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ होती है, फास्ट चार्जिंग होती है, मेंटेनेंस फ्री होती है, इको फ्रेंडली होती है, और इसमें लो बैटरी कट ऑफ होता है और हाई बैटरी चार्जिंग कट ऑफ होता है। तो आप इस बैटरी को कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2 कनेक्टर होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। और सेम आप पावर सप्लाई के अंदर भी देखेंगे तो एक ब्लैक कनेक्टर होगा, एक रेड होगा। तो इस रेड कनेक्टर को हम रेड में कनेक्ट करते हैं और ब्लैक कनेक्टर को हम ब्लैक में कनेक्ट करते हैं। इसका कनेक्शन करने के बाद हम बैटरी को अंदर रख देते हैं यहाँ पे, और इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। अब आपका ये कनेक्शन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद से हम यहाँ पे जो मेन है उसको ऑन करते हैं, और साइड में आप देखेंगे कि ये आपका जो ग्लो कर रहा है ये फुल कंडीशन है, मतलब बैटरी फुल हो जाएगी तो इस तरह का आपका इंडिकेशन रहेगा। अब हम, बैटरी हमारी डिस्चार्ज है, हम इसको यहाँ से साइड से बैटरी का स्विच ऑन कर रहे हैं। तो बैटरी डिस्चार्ज है तो दिखा रहा है कि बैटरी अभी डिस्चार्ज है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी तो आपको इस तरह का ये ग्लो करेगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आपकी तीनों एलईडियां जलने लगेंगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लोड डाल रहा हूँ। ये कैमरे का हो गया, ये डीवीआर का हो गया, ये वाईफाई राउटर का हो गया। तो तीनों हमने कनेक्ट कर दिया। जब पावर अवेलेबल होगी तो आपका ऐसे वर्क करेगा, जब पावर अवेलेबल नहीं होगी तो ये बैटरी पे चेंज ओवर हो जाएगा, यहाँ पे रेड एलईडी ग्लो करेगी और आपके तीनों जो आउटपुट हैं वो आते रहेंगे। जैसे ही पावर आएगा ये अपने आप चेंज ओवर हो जाएगा और ये आपका मेन पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपके जो तीनों आउटपुट हैं ये आते रहेंगे। अगर इस पावर सप्लाई को आप एक बार इंस्टॉलेशन कर देंगे तो फिर इसको ऑन ऑफ या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट पावर सप्लाई है, जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रीसेट होते हैं। एक प्रीसेट होता है बैटरी का, चार्जिंग का, तो आप इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये हम सेट करके देते हैं। ये आपका जो होता है वो 16.8 वोल्ट होता है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक आउटपुट वोल्टेज के लिए होता है, इसको भी हम सेट करके देते हैं 13.7 वोल्ट, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 1 मीटर से लेके 100 मीटर तक बैकअप और पावर मोड दोनों में काम करेगा। तीसरा प्रीसेट होता है जो आपका है वाईफाई राउटर का। तो अगर आपका वाईफाई राउटर 5 वोल्ट का है तो इसको आप 5 वोल्ट में सेट कर सकते हैं, अगर 9 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट में सेट करते हैं, अगर 12 वोल्ट का है तो आप इसको 12 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। इसको हम 12 वोल्ट पे सेट करके देते हैं। अगर आपका वाईफाई राउटर 5 या 9 का हो तो वहां से आप चेंज करेंगे, नहीं तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और अधिक जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9991607784 पे।